हमारे इसी पहले चैप्टर में एक पॉइंट है, 1.4 में आता है सकारात्मक एवं आदर्शक अर्थशास्त्र। तो होता क्या है कि हम लोगों ने बात की थी कि हमारी अर्थव्यवस्था में कुछ केंद्रीय समस्याएं होती हैं, क्या बनाया जाना चाहिए, कैसे बनाया जाना चाहिए, फिर जो बन गया है उसका वितरण कैसे होना चाहिए। तो इन सारी समस्याओं के लिए होता क्या है कि अलग अलग तरह की क्रियाविधियां होती हैं, मतलब मैकेनिज्म्स होती हैं। क्या होती हैं? क्रियाविधियां होती हैं। और उन क्रियाविधि से क्या होता है, देखिए उन टर्म से डरना नहीं है, है ना, इनको समझना है कि हो क्या रहा है। बहुत ही आसान चीजें हैं, बस उनके लिए नए नए शब्द आते हैं। तो शब्द को हम लोग इंग्लिश में टर्म्स ही बोलते हैं, वर्ड्स ही बोलते हैं, लेकिन टर्म्स ही बोलते हैं। तो होता क्या है कि किस तरह का सॉल्यूशन आएगा, किस तरह का समाधान निकलेगा। जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई समस्या है, मेरे पास समस्या है कि मुझे क्रिकेट खेलना है और मेरे घर के पीछे दीवार है, तो पीछे विकेट कीपिंग कोई कर ही नहीं सकता। तो हम लोग नियम ही बदल देंगे कि नहीं, विकेट कीपर होगा ही नहीं, है ना, या ऐसी जगह छत पर क्रिकेट खेलना है और नीचे गेंद चली जाएगी, तो बार बार नीचे गेंद जाएगी, तो उसके लिए नियम बदल देंगे कि नीचे गेंद गई तो आप आउट हो गए, है ना। तो हम लोग करते क्या है, अपने हिसाब से किसी भी समस्या के अलग अलग नियम बना लेते हैं, ठीक है। अब आर्थिक समस्याएं भी है हमारे पास बहुत सारी, और उन आर्थिक समस्याओं के अलग अलग लोग अलग अलग तरह के समाधान लेकर के आते हैं। कोई कहता है कि संसाधनों का विनिधान इस तरह से होना चाहिए, मतलब एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस कुछ इस तरह से किया जाना चाहिए। वैसे ही कुछ लोग कहते हैं कि ऐसे नहीं करो, इस तरह से करो, ठीक। अब ये समझिए हमारे पास क्या है, एक है समस्या, ठीक। आर्थिक समस्या में बहुत सारी, सबसे पहली समस्या क्या थी कि संसाधनों का विनिधान कैसा हो, रिसोर्सेस का एलोकेशन कैसा हो, यही थी ना। अब इस समस्या का अलग अलग लोग हैं, बहुत सारे विद्वान लोग हैं, किसी ने बोला कि ये तरीका ज्यादा अच्छा है, किसी ने बोला ये तरीका ज्यादा अच्छा है, किसी ने बोला ये तरीका ज्यादा अच्छा है। तो क्या हो गया, अलग अलग तरह के समाधान हो गए। तो एक तो हो गया आपके पास समाधान, कौन सा, नंबर एक, एक ही समाधान नहीं है यहां पर, ऐसा तो है नहीं, बहुत सारे समाधान लेकर के लोग आ सकते हैं। तो दूसरा क्या हुआ, किसी ने दूसरा समाधान दिया, एक और समाधान आ गया, ठीक है। अब अगर आप ये कंफ्यूज हो रहे हैं कि इतने सारे समाधान कैसे आ जाएंगे, एक ही समस्या है, मान लो मेरे पास 100 रुपए हैं, अब 100 रुपए कैसे खर्च करूं, मैं गया मेले में सामान खरीदने के लिए, तो 100 रुपए में तो बहुत सारी तरह से खर्च किया जा सकता है। कोई बोलेगा नहीं नहीं पहले आलू की टिक्की खा लो, कोई बोलेगा नहीं, एक मुंशी प्रेमचंद की कहानी भी थी जिसमें कुछ बच्चे होते हैं वो सामान खरीदने के लिए जाते हैं, और उसमें से एक बच्चा होता है जो अपनी गरीब माँ के लिए चिमटा खरीद करके ले आता है। तो कोई बोलता है कि देखो मेरा खिलौना कितना अच्छा लग रहा है, कोई कोई बोलता है कितना अच्छा लग रहा है, सारे के मिट्टी के खिलौने होते हैं सारे लोगों के, और वो लड़का बोलता है कि ये देखो मेरा चिमटा है, टकरा के देख लो किसका सामान मजबूत है। तो वहां पर बहुत अच्छी शिक्षा भी मिलती है, लेकिन वहां पर उस कहानी से भी आप ये समझ सकते हैं कि सारे लोगों के पास जो पैसे थे बच्चों ने अलग अलग तरह से खर्च किए। तो हमारे पास आर्थिक व्यवस्था जब होती है, अर्थशास्त्र की बात करते हैं, तो समस्या पहली यही आती है कि संसाधनों को कहां कहां पर लगाया जाए। तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ठीक। उनमें से अलग अलग तरह के समाधान हो जाएंगे। कोई अर्थशास्त्री होगा, कोई इकोनॉमिस्ट होगा, वो बोलेगा कि ये समाधान बहुत अच्छा है, दूसरा बोलेगा नहीं नहीं आपका समाधान अच्छा नहीं है, ये वाला समाधान अच्छा है, तीसरा बोलेगा नहीं नहीं ये समाधान अच्छा है। तो अब होता क्या है कि जब अलग अलग तरह के हमारे पास समाधान आ गए, इनमें से कौन सा समाधान अच्छा है और कौन सा खराब है, इसके लिए जब हम लोग पढ़ने की कोशिश करते हैं, तो होता क्या है कि अर्थशास्त्र को हम लोग दो नजरिए से देखने की कोशिश करते हैं, एक होता है सकारात्मक और एक होता है आदर्शक। और एक जो इसमें भी बहुत महत्वपूर्ण बात है ना, वो बहुत प्रॉपरली वेल डिफाइंड नहीं है। मतलब क्या है कि बहुत अच्छे से बाउंड्री नहीं बनी हुई बीच में कि नहीं नहीं ये आपका पाला है, इसके उधर चले जाओगे तो एकदम से आपकी लाइन हो गई, इसके इधर आ जाओगे तो सकारात्मक हो गया। बहुत प्रॉपर नहीं है, थोड़ा बहुत इधर उधर एक दूसरे के बाउंड्री में जाते रहते हैं, खासतौर से कब, जब केंद्रीय जो हमारी सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी होती है, जो हम लोगों ने पहले बात की थी, जिसमें क्या बोलता है कोई केंद्र में कोई अथॉरिटी है वो पहले से योजनाबद्ध तरीके से विकास करती है अर्थव्यवस्था का, तो वहां पर उन दोनों पालों में कोई बहुत अंतर नहीं होता, वो लाइन होती है वो बिगड़ सी जाती है, आप समझ रहे ना। इसलिए उस दृष्टि से देखोगे तो दोनों में कोई ऐसा नहीं कि एकदम अलग है ये एकदम अलग है। होता क्या है, सकारात्मक में हम ये सोचते हैं कि कौन कौन से सिस्टम्स लाए जा सकते हैं, कौन कौन से समाधान बनाए जा सकते हैं, और उन समाधान को देखने की कोशिश करते हैं कि अच्छा ये समस्या है तो इसका ये समाधान ऐसा बनेगा। आदर्शक में क्या करते हैं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं नॉर्मेटिव, इसको बोलते हैं पॉजिटिव। क्या बोलते हैं, इंग्लिश के टर्म्स याद करते जाओ, हायर एजुकेशन में जाओगे ना तो सब कुछ इंग्लिश में पढ़ना पड़ेगा। मैं भी पहले हिंदी मीडियम में था, फिर जब 12वीं के बाद में ऊपर हायर एजुकेशन के लिए गया, मेरा इकोनॉमिक्स में मास्टर्स है, तो मैंने सारे टर्म्स किसमें पढ़े, इंग्लिश में पढ़े। तो आगे के लिए आप तैयार करते जाइए, आप हिंदी में अभी याद रखिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इसको बोलते हैं नॉर्मेटिव, इसको बोलते हैं पॉजिटिव। नॉर्मेटिव में क्या होता है, नॉर्मेटिव में देखा जाता है कि यार आपने जो समाधान पहला बनाया है उस समाधान का परिणाम क्या निकलेगा। समाधान किस चीज का बनाते हैं हम लोग इकोनॉमिक्स में, पहली चीज होती है कि संसाधनों का विनिधान कैसा हो,
किस चीज को बनाने में कौन कौन सी चीजें लगाई जानी चाहिए। और दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है कि जब आपने चीजों को बना दिया, जो फाइनल वस्तुएं बन गई, जो अंतिम मिश्रण बना किसका, वस्तुओं का और सेवाओं का, हम लोगों ने वस्तुओं और सेवाओं की पहले बात की थी ना, अब जो वस्तुएं आ गई हैं और जो सेवाएं आ गई हैं उनका वितरण कैसा हो, किस इंसान को कार दी जाए किसको ना दी जाए, है ना, जो भी चीजें बनकर के आ रही हैं समाज में, किसको फाइव स्टार होटल में ठहरने के लिए अलाउ किया जाए किसको ना किया जाए, है ना, तो वहां पर जो एक सिस्टम बनाने की कोशिश की जाती है, तो इन समाधानों के हिसाब से, अब पहले समाधान से क्या होगा, संसाधनों का कोई एक वितरण हो रहा होगा और जो वस्तुएं बनी है उनका कुछ और वितरण हो रहा होगा। तो आदर्शक अर्थशास्त्र में देखा जाता है कि जो भी समाधान के फलस्वरूप परिणाम निकल करके आ रहा है वो परिणाम हमारे लिए अच्छा होगा या खराब होगा। मतलब हम यहां पर एक तरह से आदर्शक समाजशास्त्र में, सॉरी आदर्शक अर्थशास्त्र में हम लोग क्या करने की कोशिश करते हैं, हम लोग जज करने की कोशिश करते हैं, निर्णय लेने की कोशिश करते हैं कि ये समाधान वास्तव में अच्छा है कि नहीं, किस बेसिस पर, इस बेसिस पर कि इस समाधान के बाद से जो परिणाम निकलेगा वो परिणाम अच्छा होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो वो हम लोग करते हैं आदर्शक अर्थशास्त्र में। सकारात्मक हम लोग देखते हैं कि हाँ, सिरे से देखने की कोशिश करते हैं कि ये समस्याएं हैं तो इसके लिए इस तरह का सिस्टम बनाया जाना चाहिए। दोनों में कोई बहुत बड़ी ऐसी बाउंड्री नहीं है, इस पर हमारे एग्जामिनेशन में, हमारी परीक्षा में सीधे सीधे प्रश्न नहीं आता है, लेकिन उसके बाद भी अवधारणा के स्तर पर, कॉन्सेप्चुअल लेवल पर थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए थी, इसलिए मैंने आपको यह बता दिया। तो अगर हमसे कोई पूछता है, क्या पूछता है कि आपने ये पूरी कहानी सुना दी लेकिन हमें सीधे सीधे शब्दों में बताओ कि क्या होता है सकारात्मक, क्या होता है आदर्शक अर्थशास्त्र, तो हम क्या कहते हैं, तो हम कहते हैं कि भाई पहला जो समाधान है उसमें क्या क्या हो रहा होगा वो आ जाएगा हमारा सकारात्मक अर्थशास्त्र के अंदर, और पहले वाले समाधान के बाद से जो परिणाम निकल रहा है उसको आप इवैल्यूएट करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, इवैल्यूएट, इवैल्यूएट मतलब उसका मूल्यांकन करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये चीज अच्छी है या खराब है, वो चीज आ जाएगी किसमें, आदर्शक में। यानी कि फिर से समाधान में क्या होगा, पहले समाधान में क्या क्या होगा ये अध्ययन करने की बात आती है सकारात्मक अर्थशास्त्र में, और उसके परिणाम को देखने की बात, कि परिणाम उसका अच्छा हो रहा है या खराब हो रहा है उसको देखने की बात आ जाती है आदर्शक अर्थशास्त्र में। और जैसा मैंने पहले बताया था कि ये दोनों बहुत ही अलग नहीं है, जब इनका आप वास्तव में रियल लाइफ में, वास्तविक जीवन में जब आप इन दोनों को अप्लाई करने की कोशिश करोगे, जब इस पर वास्तव में रिसर्च चल रही होगी, अनुसंधान हो रहा होगा, तो उस समय पर ऐसा नहीं होगा कि आप अलग अलग पाले में हो, दोनों चीजें आपको समझ में आनी चाहिए, एक के बिना आप दूसरे को समझ नहीं सकते हो, ठीक है। तो दोनों के बीच की जो बाउंड्री है ऐसे समझ लो कि एक ये क्षेत्र है और एक ये क्षेत्र है, तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो दोनों में कॉमन जैसी हो जाती हैं, ठीक है। तो ये हम लोगों का एक टॉपिक था जो हम लोगों ने कर लिया, अब हम लोग इसी का अगला टॉपिक अपने चैप्टर का जो भी बचा खुसा पार्ट है वो हम लोग अगले वीडियो में करेंगे, और इसी चैप्टर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था जिसके लिए हम लोग एक बिल्कुल अलग वीडियो में बात करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, आपके अपने चैनल अपनी क्लास को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।